नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती और केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नसरुल्लागंज शासकीय महाविद्यालय रहटी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सोयत में आयोजित 7 दिवसीय NSS शिविर में तीसरे दिन मंगलवार को नसरुल्लागंज की मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलर वीके नेहा लखेरा ने स्वयं सेवियों को एकाग्रता द्वारा सफलता एवं बाल संरक्षण विषय पर व्याख्यान दिया। वीके नेहा ने बताया कि कई बार देखा गया है कि व्यक्ति काम तो कुछ और कर रहा होता है, लेकिन विचारों के माध्यम से वह भटक कहीं और ही जाता है। युवाओं के साथ तो यह समस्या अक्सर बनी रहती है। वे जब पढ़ रहे होते हैं तो उनका ध्यान खेल में लगा होता है, और जब खेल रहे होते हैं तब उन्हें काम की चिंता सता रही होती है। इस तरह भी ठीक से काम करने की बजाय सिर्फ समय बर्बाद कर रहे होते हैं। मन की दृढ़ इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य पर पूर्ण केंद्रित कर ही आप एकाग्र हो सकते हैं। एकाग्रता के लिए लक्ष्य तय होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों में एकाग्रता का गुण जन्मजात होता है और कुछ लोग बार बार प्रयास से इसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण की दिशा में कई अहम कदम उठाने की जरूरत है। आज बालक बालिकाओं को जागृत करना सबसे अहम कार्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ आए दिन अपहरण की घटनाएं घट रही हैं। इन घटनाओं को रोकना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पुनीत मालवीय उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नितिन चौहान एवं शिवानी चौहान द्वारा की गई। नसरुल्लागंज से चांदनिया की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।